पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नोएडा में लगने वाली IHGF फेयर से निर्यातकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कोविड के बाद से निर्यात इंडस्ट्री में आई मंदी से उभारने में ये फेयर निर्यातकों के लिए सहारे का काम करेगी। निर्यातकों को इस फेयर में पहुंचने वाले बायरों से भी उम्मीदें रहेंगी। वरिष्ठ निर्यातक और टूरिज्म इंडस्ट्री के चेयरमैन महेश अग्रवाल का कहना है कि इस फेयर में लगभग 3000 निर्यातक प्रतिभाग कर रहे हैं और देश विदेश के बायर इस फेयर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्यातकों को सरकार से मिलने वाली सहूलियतों में लगातार कटौती हो रही है, जिसके बाद व्यापार करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन यदि सरकार निर्यातकों की समस्याओं पर ध्यान दे तो गिरते निर्यात को उभारा जा सकता है। फेयर में आने वाले बायरों से निर्यातकों की उम्मीदें और भी ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि दीपावली और क्रिसमस के त्यौहार पास हैं। नोएडा एक्सपोर्ट मार्ट में आज से 5 दिन की 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ऑटम फेयर स्टार्ट हो रही है और इस फेयर के अंदर आज इसका उद्घाटन अभी इसमें सुबह 11 बजे किया गया है। इसके अंदर हमारे करीबन मुरादाबाद शहर के और जोधपुर के, जयपुर के, भदोही के, अलीगढ़ के, फैजाबाद के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे सभी प्रांतों से बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्टरों ने भाग लिया है और एक बड़ी अच्छी उससे उम्मीद से लिया है कि ये जो फेयर है इसके अंदर अधिक से अधिक बायर आए और जो है इसके अंदर अधिक से अधिक जो है यहाँ का जो व्यापार है हस्तशिल्प का ये बढ़े। ये हस्तशिल्प का व्यापार जो है पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से वह पिछले इस वर्ष में आर्थिक मंदी की वजह से निरंतर डाउन वर्ष जा रहा है। इससे जितने भी ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले कारीगर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं कि ये आने वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई हैं इसके अंदर जो निर्यात है इस साल वर्ष 2021-22 में भी करीबन 20-25% तक निर्यात कम हुआ है और मुरादाबाद का जो निर्यात है वो भी 20-25% तक गिरा है। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर सरकार से, केंद्र सरकार से जो हम उम्मीद कर रहे थे पिछले 2 सालों से, जो भी हमें MEIS को जो हमारा ख़त्म कर दिया गया था, ना के बराबर कर दिया गया है, उसको भी बढ़ाने की पुरजोर अपील काम कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की है। इसके अलावा जो GST है वो तो जो भी लग रहा है कच्चे माल पर जो लग रहा है उसके लगने के बाद गवर्नमेंट की जो नीति है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं वो गवर्नमेंट नीति पर चल रही है लेकिन इससे भी जो हमारा हस्तकर्म का जो हस्तशिल्प का व्यापार है वो मतलब उससे जो प्रॉफिट है वो उसमें ना के बराबर हो गया है और उसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं ये सभी लोग घाटे में जा रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से और जो हमारी एसोसिएशंस हैं उन सभी से निवेदन है कि सब एकजुट मिल करके केंद्र सरकार के पास एक जाएं और उनसे जो हमारा जो MEIS है और ब्याज में जो की उम्मीद रहेगी इससे, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया आपको कि करीबन 3000 एक्सपोर्टर जो है पूरे हिंदुस्तान का इसके अंदर भाग ले रहा है और इसके अंदर उम्मीद तो देखिए जब कोई जाता है आदमी तो पूरी उम्मीद करके जाता है लेकिन जो इस टाइम में आर्थिक मंदी है पूरे विश्व में उसका भी असर जो है इसके ऊपर पड़ा और पड़ेगा कि व्यापारी लोग जो हैं अभी जो पिछले जून से अक्टूबर तक जो मुरादाबाद के अंदर जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर थे वो 50% रह गए थे और अगर ये इसके अंदर जो फॉरेन बायर अगर अच्छी उससे आते हैं, अच्छी उम्मीद से आते हैं तो व्यापार निश्चित ही बढ़ेगा।